जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। लाडली बहना योजना की तरह एक और नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। इस योजना के अंतर्गत मध्य वर्ग के लोगों को राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को, यानी कि 21 वर्ष से लेकर जो 65 वर्ष की आयु वाली महिला है, उन सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वो सभी महिलाएं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके आत्मनिर्भर बन सके। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से सभी लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए डायरेक्ट महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। साथियों, अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो दोस्तों इनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको इसी तरह सभी सरकारी योजनाओं की खबर आप तक पहुंचती रहे। साथियों, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना में आवेदन करने के लिए इनके कुछ शर्तें भी दिए गए हैं, जैसे कि आवेदक महिला महाराष्ट्र राज्य की मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही योजना के लिए राज्य की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या फिर प्रत्येकता एवं निराश्रित महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होगी। साथ ही आवेदक महिला की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष प्राप्त करने तक आवेदन कर सकती है। पहले यहाँ पर 60 वर्ष रखी गई थी, लेकिन हाल ही में एक घोषणा में 65 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने वाली लाभार्थियों के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। साथ ही लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक महिला के पास आवेदन के लिए सभी कागजात तैयार और प्रमाणित भी होने चाहिए, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको एक स्व घोषणा पत्र भी आपको देना होगा। साथ ही दोस्तों, इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास कागजात में आधार कार्ड होने चाहिए। साथ ही महाराष्ट्र राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र, महाराष्ट्र राज्य का जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। साथ ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी परिवार के मुखिया का आय प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। साथ ही बैंक खाते की पासबुक यानी कि पहले पेज की आपको फोटोकॉपी लगने वाली है। पासपोर्ट साइज फोटो, अगर आप ऑफलाइन से आवेदन करेंगे तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। बाकी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको डायरेक्ट लाइव यहाँ पर फोटो क्लिक करके अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही परिवार का राशन कार्ड चाहिए और उक्त योजना के नियम एवं शर्तों का अनुपालन करने का वचन देना, यानी कि आपको स्व घोषणा पत्र भी लगाना है। साथ ही माझी लाड़की बहन योजना का फॉर्म, जो यहाँ पर ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करेंगे। दोस्तों, इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ इस तरह का एक शपथ पत्र भी देना होगा। इन शपथ पत्र को आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस शपथ पत्र में यहाँ पर घोषणा दिया गया है कि आप इस योजना के लिए पात्र होते हैं या फिर नहीं होते हैं, वो आप वहाँ पर सही का निशान लगाकर बताना है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग आप इन सभी को पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर जैसे कि पूछा जा रहा है कि आपके पास यहाँ पर 5 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए, चारपहिया वाहन नहीं होना चाहिए ट्रैक्टर को छोड़कर, तो ये सब दिए गए, आप इनको पढ़ेंगे और इन सभी में आपको सही का निशान लगा देना है। साथ ही यहाँ पर घोषणा दिया गया, आप इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते। बाकी यहाँ पर बताया गया कि यानी कि मेरे द्वारा यह भरा गया फॉर्म बिल्कुल सही है, मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ। यहाँ पर आपका OTP वगैरह लिया जाएगा, जिनके द्वारा यहाँ पर EKYC कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद नोट में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर आपका ऑनलाइन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आवेदन सफलतापूर्वक हो जाता है, तो आपको यहाँ पर SMS, WhatsApp और ईमेल के माध्यम से अपडेट भी मिलता रहेगा। आवेदन कंप्लीट होने के बाद नीचे एक देखिए पावती मिलता है, ये पर्ची आपको फाड़ कर दे दिया जाएगा। दोस्तों, इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिनका नाम है नारी शक्ति दूत। सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आप इनको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इन ऐप का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। उनके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर आपको ऐसा देना है जिनमें यहाँ पर OTP आ सके, तो सिंपली आप यहाँ पर मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट एंड टर्म एंड कंडीशन दिया गया, आप इनको इस वाले ऑप्शन पर आपको टिकआउट करना है। देन आपको यहाँ पर स्वीकारा वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का OTP आएगा, OTP को आप यहाँ पर डाल देंगे। देन उसके बाद वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, तो जो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा उनका फुल नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल ID देना है। अगर आपके पास ईमेल ID नहीं है तो आप इनको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता होगा, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको नारी शक्ति का टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना है,
कि यहाँ पर जो महिला है आवेदन कर रही है वो यहाँ पर क्या करती है। उनको सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे अपडेट का ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर आपको सभी डिटेल देखने को मिल जाता है। आप उनका पर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको होम वाले ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर होम वाले ऑप्शन पर आएंगे तो आपको सबसे ऊपर में ही देखने को मिल जाता है मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर फॉर्म खुल करके आ जाता है और इन्हीं फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर आवेदक का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद उनके पति का क्या नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके जो भी जन्मतिथि होगा जन्मतिथि आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उनके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका गांव शहर पड़ता होगा आप उनको सिलेक्ट करेंगे। उनके बाद ग्राम पंचायत जो भी होगा आप उनको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड बताना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दे देंगे। साथ ही यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर टाइप कर देना है। आधार कार्ड का नंबर टाइप करने के बाद अगला ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है क्या आपको किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से, जैसे कि पेंशन योजना हो गया या फिर किसी भी सरकारी योजना का रुपए आपको दिए जाते हैं, तो आप यहाँ पर होय पर क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता यानी कि पैसा नहीं मिल रहा है तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट कर देना है। अगला ऑप्शन में आपको महिला का वैवाहिक स्थिति बताना है कि शादीशुदा है या फिर नहीं है या फिर यहाँ पर प्रत्यक्षता तलाकशुदा है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आवेदक महिला का बैंक पासबुक में जैसा नाम दिया गया है सेम नेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर बैंक खाते का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड टाइप कर देना है। देन उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है, तो आप यहाँ पर हो वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आपका लिंक नहीं होगा तो सरकार की तरफ से आपके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। अगर लिंक नहीं है तो बैंक में जाकर के अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लें। उसके बाद यहाँ पर आपको 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। पहले यहाँ पर आपको आधार कार्ड मिलता है। आधार कार्ड को आपको दोनों साइड से फोटो खींचकर एक फोटो बनाना है और आपको आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अधिवास प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको उत्पन्न प्रमाण पत्र आप यहाँ पर अपलोड करना या आप यहाँ पर राशन कार्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको शपथ पत्र अपलोड कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर बचत खाता यानी कि आवेदक का बैंक पासबुक आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर यहाँ पर किसी महिला के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप यहाँ पर राशन कार्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइव एक फोटो क्लिक करना है। उसके लिए आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक फोटो खींचकर आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। देन उसके बाद इन टर्म एंड कंडीशन को आप यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद माहिती जतन करा यानी कि सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ पर आवेदन सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर दोस्तों ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म लेना है और आपको अच्छी तरीके से सभी डिटेल को फिलअप करना है। जो भी मैंने आपको कागजात बताए वो सभी कागजात को आपको इनके साथ अटैच करना है। अब ये जमा करने के लिए जो भी आपका आंगनबाड़ी केंद्र होगा नजदीकी में या फिर आप अपने ग्राम सेवक या ग्राम पंचायत कार्यालय या फिर वसु सुविधा केंद्र के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।